नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आइडिया के फ्री एजुकेशन सेल में आप सबके लिए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी से लेकर आया। क्योंकि दोस्तों, अब समय पढ़ाने का नहीं रहा, अब समय है रिवीजन का और पासिंग मार्क्स के लाइन को पार करने का। पढ़ने और पढ़ाने की कोई सीमा नहीं होती, इस बात को ख्याल में रखते हुए कम समय में आपके सामने मैं 25 क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगा, जो आप पढ़े हुए हैं, आपकी जानकारी में भी है, लेकिन अक्सर पढ़े हुए प्रश्न ही एग्ज़ाम में हम गलत करके आते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में किसी क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं तो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप गौर से सुनिए, उनके उत्तरों को अगर समय हो तो लिख लीजिए, और अगर आपको कुछ उस विषय में कहना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 777-600-2076 पर कमेंट कर सकते हैं। प्रस्तुत सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए ही हैं और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास माइंस मैनेजर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिए और मन में कहीं भी रहते हुए ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपके परीक्षा में यह तय मानिए कि इसमें से प्रश्न आपको जरूर अपने एग्जाम में देखने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, चूंकि अब समय की सीमा को देखते हुए आपका समय ज़्यादा नहीं है बर्बाद करते हुए सीधे प्रश्नों पे आता हूँ, प्रश्न सुनते जाइएगा। पहला प्रश्न है मेरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ए डस्ट दैट गवर्न्स इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट इज। मतलब कि डस्ट में जब डस्ट पैरामीटर हम लोग देखते हैं तो मेन पैरामीटर जिस पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो डिपेंड करता है, तो ये साइज ऑफ डस्ट पे, तो डस्ट के साइज पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर टू, इन एन अंडरग्राउंड वर्किंग एरिया मीथेन एंड CO2 आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड रिस्पेक्टिवली। मतलब एक अंडरग्राउंड वर्किंग एरिया में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाए जाएंगे? तो मीथेन जो है वो जनरली रूफ के आसपास पाई जाती है और CO2 जो रहेगा वो फ्लोर के आसपास पाई जाएगी। मतलब मीथेन छत के आसपास और CO2 जमीन के नज़दीक में। थर्ड क्वेश्चन है, स्टोन डस्ट बैरियर जो होता है वो अंडरग्राउंड में इंस्टॉल्ड होता है किस पर्पज़ से? स्टोन डस्ट बैरियर्स आर इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड, तो पर्पज़ इसका एक ही है, टू प्रिवेंट द लिमिटेशन ऑफ कोल डस्ट एक्सप्लोजन। कोल डस्ट एक्सप्लोजन के आगे बढ़ने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर, एक इलेक्ट्रिक कैप लैंप में जो फ्यूज यूज होता है वो कितने कैपेसिटी का होता है?
An electric cap lamp as used in mine has a fuse of capacity. तो दोस्तों ये 4 एम्पियर का होता है 4 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 5. द थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड नॉट बी लेस देन. वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जो थिकनेस मोटाई है वह कितने से कम नहीं होना चाहिए. तो यह है दोस्तों 38 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6. ए कैप लैंप मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एन इल्यूमिनेशन ऑफ. कितना इल्यूमिनेशन एक कैप लैंप को प्रोड्यूस करना चाहिए. तो ये दोस्तों ये है 0.25 ल्यूमेंस. क्वेश्चन नंबर 7. ग्रेविट्रिक डस्ट सैंपलर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जो है वो काम करता है किस सिद्धांत पे. तो ये है फिल्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 8. कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर ट्यूब्स यूजेस. कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर ट्यूब में यूज होता है. ये यूज होता है पोटेशियम पैल्मिडियम सल्फेट. पोटेशियम पैल्मिडियम सल्फेट जी. क्वेश्चन नंबर 9. पिटर ट्यूब इज जनरली यूज्ड फॉर. पिटर ट्यूब जो है वो जनरली यूज होता है. तो ये डक्ट का जो एयर वेलोसिटी है उसका मेजरमेंट होता है. मेजरमेंट ऑफ एयर वेलोसिटी इन डक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 10. गैस क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ. गैस क्रोमेटोग्राफी जो यूज होता है यूटिलाइज होता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है. तो यह है सॉलिड गैस एब्जॉर्प्शन. प्रिंसिपल है सॉलिड गैस एब्जॉर्प्शन. क्वेश्चन नंबर 11. एक्सक्लूसिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट जनरली डज नॉट डिपेंड्स ऑन. कोल डस्ट का जनरली एक्सक्लूसिबिलिटी जो डिपेंड नहीं करता है. तो ये कलर ऑफ डस्ट, डस्ट के कलर पर डिपेंड नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 12. इन वाटर गैस एक्सप्लोजन द टू हाईली एक्सप्लोसिव गैसेस दैट आर इन्वॉल्व आर. माने वाटर गैस एक्सप्लोजन में कौन कौन सी गैसें इन्वॉल्व रहती हैं. तो ये है H2 एंड CO, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 13. ब्लास्टिंग गैलरी मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर वर्किंग सीम थिकनेस. किस सीम थिकनेस से नीचे के लिए वर्क ब्लास्टिंग गैलरी मेथड यूज नहीं होता. तो ये है लेस देन 7 मीटर दोस्तों. 7 मीटर से अगर कम रहा तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड यूज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 14. लिली कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन इन वाइंडर. लिली कंट्रोलर का यूज वाइंडर में किस लिए होता है. तो यह है ओवर वाइंड. क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों. द अर्लीएस्ट इंडिकेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाई. मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो एक इंडिकेशन है वह किस तरह से शो होगा. तो ये है स्वीटिंग ऑफ स्ट्राटा. स्ट्राटा में जब स्वीटिंग होने लगे तो ये एक इंडिकेशन है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का. क्वेश्चन नंबर 16. पॉइजन रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन. पॉइजन रेशियो जो है वो रिलेशनशिप है किसका. ये है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन इसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग पॉइजन रेशियो कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. द वेंटिलेशन प्लान ऑफ ए माइन शुड बी ऑन ए रेफरेंस स्केल. वेंटिलेशन प्लान किस स्केल पे बनाया जाता है. तो ये है दोस्तों 2000 रेशियो 1 जी हाँ. क्वेश्चन नंबर 18. क्लिफ्टन पुली इज यूज्ड इन. क्लिफ्टन पुली कहाँ यूज होता है. ये इंडलेस रॉप हॉलेज में यूज होता है. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा. क्लिफ्टन पुली इज यूज्ड इन इंडलेस रॉप हॉलेज. क्वेश्चन नंबर 19.
The continuous seams means the parting between two seams is within, मतलब continuous seam से कहा जाएगा जिसमें दो सीम के बीच पार्टिंग हो, कितना हो दोस्तों, ये है 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, द वेट बल्ब टेम्परेचर इन डेवलपमेंट फेसेस शुड नॉट एक्सीड। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है डेवलपमेंट फेस में कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 33 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सी। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, द हॉपकलाइट यूज इन CO डिटेक्टर इज ए मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड हॉपकलाइट जो CO डिटेक्टर में यूज होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर रहता है? MnO2 तो रहता ही है और साथ में क्या रहता है, तो साथ में सिलिका जेल रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, द पर्पस ऑफ वायर गैस इन फ्लेम सेफ्टी लैंप इज, फ्लेम सेफ्टी लैंप में वायर गैस का क्या पर्पस है, तो यह है टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ फ्लेम फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द लैंप, मतलब कि अंदर के फ्लेम को बाहर आने से रुकता है, यही पर्पस है वायर गैस का। क्वेश्चन नंबर 23, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वाइंडिंग रोप इज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाइंडिंग रोप का क्या है, तो ये 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, कैप्स आर यूज्ड इन, कैप्स यूज होता है, आंसर है ड्रम वाइंडिंग में, जहाँ ड्रम वाइंडिंग होगा वहाँ कैप्स यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, ब्लैक डैम्प इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ये आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बहुत बार लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में और कुछ उल्टा सीधा इसमें कर जाते हैं, तो ये होगा CO2 प्लस N2, ब्लैक डैम्प इज ए मिक्सचर ऑफ CO2 प्लस N2। इसी के साथ 25 क्वेश्चन का ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था और मेरे मित्र विकास दास जी के कथनानुसार मुझे इस तरह के वीडियो लाना चाहिए, तो मैं ज़रूर ही लाऊंगा और भी आगे लाता रहूंगा। चौरसिया सर का, संजय साहू सर का, हमारे महामहिम आर के तिवारी सर का मार्गदर्शन यूँ ही मिलता रहे, सभी दोस्तों का प्यार यूँ ही मिलता रहे, तो आगे भी 25 क्वेश्चनों का ये वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।